वेलकम टू खन्ना न्यूज़ लाइव। फगवाड़ा तो रोपड़ तक बन रहे नैशनल हाईवे 344 ए जिसका नींह पत्थर मानयोग नितिन गडकरी जी ने 2017 विच रखिया सी अते जिसका भूमि पूजन श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने खटकड़ कलां विच कीता सी। दस दईए कि फगवाड़ा तो रोपड़ बनन वाले हाईवे जिस विच 7 फ्लाईओवर ते 4 लाइना सड़कां बनाईयां जाणगियां जिस विच कुल खर्चा 1378 करोड़ तक दा आवेगा। यह भी दस दईए कि पूरा हाईवे फगवाड़े तो रोपड़ तक 82.15 किलोमीटर का है। बंगा शहर अंदर इसका काम 2017 विच ही शुरू हो गया सी, लेकिन दुकानदारा नू पेमेंट की अदायगी ना होण करके दसंबर 2018 विच इसका काम रोकना पिया। इस विच फ्लाईओवर पुल का 300 मीटर का काम ठप हो के रह गया सी। इस मौके नैशनल अथॉरिटी के मैनेजर ने मीडिया नू जानकारी देंदे हुए दस्या कि फगवाड़ा तो रोपड़ तक बनने वाले हाईवे ब्रिज जिसकी लंबाई 82.15 किलोमीटर है, बीते दिन बग्गा शहर विच अधूरे पए 300 मीटर ओवरब्रिज पुल का काम शुरू कर दिता गया है अते जिसकी अदायगी दुकानदारा नू कर दिती गई है अते पुल नू बनाउण दा कुल खर्चा 88 करोड़ तक का आवेगा। यह सारा मार्ग NH 334 अधीन पैंदा है अते इस पुल का काम 6 महीने दे विच पूरा होण बारे जानकारी मिली है। नवा शहर तो पत्रकार जतिंदर पाल सिंह कलेर की खास रिपोर्ट। शुरू करने जा रहे हो, तोड़ रहे हो दुकानों को, क्या है ये सारा? सर ये 3 किलोमीटर का फ्लाई ओवर ब्रिज था जिसमें 300 मीटर पेंडिंग था, जिसकी लैंड की पेमेंट हो चु स्ट्रक्चर की पेमेंट चालू हो गई है, पेमेंट मिलती रही है लोगों को। 4 तारीख को इनको पोजीशन देने की बात हुई थी, 4 तारीख को हमने आज मशीनरी लगा दी है। बाकी पैसा जैसे जैसे मिलता चला जा रहा है वैसे वैसे हम आगे आगे तोड़ता चला जा रहे हैं और ये प्रोजेक्ट हम 3-6 महीने के अंदर कंप्लीट कर देंगे। कितना है टोटल जी फगवाड़ा से? ये 82.15 किलोमीटर का पैकेज था जिसमें से 94% हमने कंप्लीट कर लिया है और प्रोजेक्ट कॉस्ट थी 1367 करोड़ जिसमें से हमने 1272 करोड़ काम कंप्लीट कर चुके हैं और 99 करोड़ का काम है जो भी वो भी इन प्रोग्रेस में। कितनी देर में ये होने के मंसूबा? सर 6 महीने में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट कब किया था? अक्टूबर 2017 में करें जी। तो अब ये रास्ता जो बनेगा क्या है, इसमें कितना फ्लाईओवर रहेगा, कितना? 14 मीटर के ऊपर ब्रिज की जो मेन कैरिज वे है और 7.5 मीटर की सर्विस रोड है, 1.5 मीटर की ड्रेन है। ये दोनों साइडों का पेमेंट हो चुकी है कि अभी एक साइड में हुई है? सर अभी चल रहा है, कुछ की पेमेंट हुई है कुछ की बाकी है। अच्छा, दुकानदार को कहना कि उनको सिर्फ दुकानों के पैसे दिए जा रहे हैं, जमीन की पेमेंट नहीं हो रही है? सर अभी तो स्ट्रक्चर की पेमेंट की जा रही है, कुछ लैंड के कुछ कॉर्पोरेशन की लैंड है कुछ, उस हिसाब से बाद में उसकी पेमेंट करेंगे साथों साथ ही। उसका भी अब सारा कुछ कम्प्लीट क्लियर हो चुका है, उसकी पेमेंट कुछ दिन में हो जाएगी। मंगा में जो 300 मीटर स्ट्रेच का एलिवेशन का काम रुका था, उसके पोजीशन का काम आज से स्टार्ट हुआ है। टोटल 85 फाइल स्ट्रक्चर्स थे उसमें से 68 फाइल्स हमारे तरफ आ गई है और लगभग हमने 25 फाइल्स हमने क्लियर कर दी है। आगे की फाइल भी हम जल्द से जल्द क्लियर कर देंगे। टोटल डिसबर्स अमाउंट है 3,89,00,000 और आज से हमने डिमोलिशन स्टार्ट कर दिया है। विद इन 7 or 8 डेज इट विल बी कम्प्लीटेड। पोजीशन होने के बाद नेशनल हाईवेज अपना काम स्टार्ट कर देगी और जल्द से जल्द इसे पूरा कर देगी। जो डिस्प्यूटेड फाइल्स है जिस पर ऑब्जेक्शन लगे हैं उस पर जल्द से जल्द ऑन मेरिट डिसीजन लिया जाएगा और उनादे अवार्ड भी उनादे पैसे भी उनको दिए जाएंगे। और हम ये आह्वान करते हैं लोगों को कि हमें इस काम में सहयोग दे ताकि ये काम जल्द से जल्द पूरा हो, जनता की भलाई लिए हम कर रहे हैं। थैंक यू। 3 किलोमीटर का बंद कर दीजिए।